Hey guys, welcome back to your own channel. So without wasting any time, let's get started. So आज हम जिस पर्टिकुलर स्टॉक का हम डिस्कस करेंगे, इसका नाम है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। ये काफ़ी सारे कंपनी या फिर काफ़ी सारे स्टार्टअप का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है। कंपनी बहुत ही अच्छा है। कंपनी का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का न्यूज़ या फिर कंपनी का एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कंपनी का एनालाइज करेंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस है वो है 4,284 रुपीज़ का। कंपनी ने आज के दिन लगभग 3-4% का एक करेक्शन दिखाया है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। अगर एक महीने की बात करें तो कंपनी ने लगभग 3% का एक मॉडरेट रिटर्न आपको दिया है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो कंपनी का रिटर्न है 20% का, जो कि लार्ज कैप होते हुए 20% का रिटर्न देना एक अच्छी बात है। अगर यहाँ पर एक साल की बात करें तो कंपनी ने आपको 10% का यानी कि 9.91% का आपको रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर यहाँ पर 5 सालों की बात करें तो यहाँ पर जो सिनेरियो है वो टोटल चेंज हो चुका है, जहाँ पर कंपनी ने आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है, तो लगभग 200% का एक रिटर्न जनरेट किया है। अगर यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो जहाँ पर कंपनी का लिस्टिंग के बाद कंपनी ने अब तक यानी कि 2006 के बाद अब तक का रिटर्न कंपनी का है 2,836% का, जो कि एक गजब का रिटर्न है। अगर कंपनी के कामकाज के बारे में डिस्कस करें तो इन्फो एज इंडिया इज़ ए प्रीमियर ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी विद ए पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स। जैसे कि मैंने पहले शुरू में ही मेंशन किया था, काफ़ी सारे एक स्टार्टअप या फिर काफ़ी सारे जो ब्रांड्स को एक ये कंपनी मैनेज करता है। इट ओन्स वेरियस ब्रांड्स इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक Naukri.com, जो कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का एक बहुत ही अच्छा एक वेबसाइट है, जिससे काफ़ी सारे जो नोटिफिकेशन पाया जाता है Naukri.com से। 99acres.com जो ऑनलाइन रियल एस्टेट से बिलोंग करता है। JeevanSathi.com जैसे कि ऑनलाइन मैट्रिमोनियल है, एज वेल एज Shiksha.com जो कि ऑनलाइन एजुकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम और जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो एक्ट्स एन इन्वेस्टर एंड हैज़ इन्वेस्टेड इन मैनी स्टार्टअप्स इन ऑनलाइन स्पेस एंड इज़ एक्टिवली ग्रोइंग इट्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो इस कंपनी का जो काफ़ी सारे जो कंपनी पर इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है और ख़ुद का एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी है। तो कंपनी का कामकाज बेहद ही यूनिक है, जो कि ऑनलाइन बिजनेस है और ऑनलाइन आगे जाकर ग्रो होने ही वाला है, तो कंपनी का कामकाज भी और कंपनी का शेयर प्राइस भी ग्रो होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर कंपनी के डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करें तो कंपनी का प्रेजेंट मार्केट कैप है 55,317 करोड़ का। कंपनी ने हाई लगाया है 4,984 करोड़ का, लो लगाया है 3,308 का। कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 134 का है। बुक वैल्यू कंपनी का है 1037 का। डिविडेंड यील्ड कंपनी आपको देते 0.44%। ROCE कंपनी का है 2.76, जो कि थोड़ा सा लो है। ROE कंपनी का है -1.64%, जो कि ये भी थोड़ा सा लो है। फेस वैल्यू कंपनी का है पूरे 10 का। PEG रेशियो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। और सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो यहाँ पर 18.9%, जो कि अच्छा है। और इंडस्ट्री पी कंपनी का है 71.8 और डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का बेहद ही वेल मैनेज्ड, जो कि 0.01 का है। अगर यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मार्च 2023 में कंपनी का जो सेल्स था वो है 605 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर यानी कि जून 2023 में बढ़कर 626 करोड़ तक पहुँचा है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर एक ड्रास्टिक फॉल था, जहाँ पर नेट प्रॉफिट था -503 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर पॉजिटिव एक यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ है, जहाँ पर 147 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट शो किया। तो यहाँ पर कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक अच्छा यहाँ पर जंप दिखा है। अगर पिछले साल की बात करें, जहाँ पर जून 2020 में कंपनी का जो सेल्स था वो 547 करोड़ का था, जहाँ पर इस साल के मुकाबले कंपनी का यहाँ पर अच्छा ग्रोथ हुआ है, जहाँ पर कंपनी ने इस साल 626 करोड़ का सेल्स किया है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रह गया है। पिछले साल था 292 करोड़, जो कि इस साल 147 करोड़ रह गया है। तो कंपनी यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन वाला एक नेट प्रॉफिट शो कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस हल्का फुल्का ठीक है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर रिजर्व की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, तो कंपनी के पास एक अच्छा खासा बेहद बड़ा रिजर्व है, जो कंपनी अपने फ्यूचर एक्सपेंशन में लगा सकता है, जहाँ पर 13,269 करोड़ से भी ज़्यादा का रिजर्व कंपनी के पास है, जो कंपनी अपने फ्यूचर एक्सपेंशन में लगा सकता है। और 108 करोड़ का एक छोटा मोटा एक बोरिंग है, जो कि कंपनी अब कभी भी इसे रिपे कर सकता है। अगर शेयरिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द स्टेक 38.05% का स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास है, 31.41% का स्टेक जो कि FII के पास है, जो कि बेहद ही अच्छी बात है। अगर DII की बात करें तो DII ने यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाकर 16% से बढ़ाकर 17.36% तक बढ़ा दिया है। तो कंपनी कुछ अच्छा करने वाला है, अगर कंपनी कुछ अच्छा करेगा इसका एक उन्होंने एक अनुमान फिर से लगाया है। गवर्नमेंट के पास है लगभग 0.37% का स्टेक, पब्लिक के पास है लगभग यहाँ पर कह सकते हैं 12.66% का स्टेक, और जो कि अदर्स के पास है 0.13% का स्टेक। तो कंपनी एक 5-स्टार रेटेड एक से अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न रखता है। अगर यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये हर एक एंगल यहाँ पर
इस चार्ट में एक वीक को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे कंपनी बहुत दिन से करेक्शन के फेज से गुजर रहा था, तो कंपनी का फिलहाल जो कंपनी ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, ये कंपनी का एक पहला सपोर्ट था जहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट लिया। अगर कंपनी इस लेवल को यानी कि 4280 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो कंपनी का दूसरा सपोर्ट है लगभग यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर 3300 के लेवल पर कंपनी एक दूसरा सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है। अगर कंपनी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर रन अप दिखाए तो कंपनी का पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 5000 के लेवल पर। अगर कंपनी इस लेवल को भी तोड़ता है तो कंपनी का जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 5900 के लेवल पर होगा। तो इस इन लेवल का आप एक ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार के बाइंग करने से पहले। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो प्लीज़ रिमेन इन्वेस्टेड, कंपनी अच्छा है। और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इस लेवल पर थोड़ा सा खरीदारी कर सकते हो, और अगर कंपनी इस लेवल से थोड़ा सा नीचे जाए तो फिर से आप थोड़ा सा खरीदारी करके रख सकते हो ताकि एवरेज अच्छा हो। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए बेहतर इन्फॉर्मेटिव रहेगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक से मिलता है मोटिवेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा, क्योंकि इस चैनल का मोटिव है आपको एजुकेशनल वीडियो, आपको एक फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोवाइड करना है। तो लास्ट तक मेरा धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।